हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल टॉक्स मेघा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है नचिकेता और यम। ये कहानी कथो उपनिषद से ली गई है। उपनिषद का लिटरल मीनिंग होता है गुरु के पास बैठ कर ज्ञान लेना, टू सिट नियर द फीट ऑफ गुरु गेटिंग नॉलेज। उपनिषद, कथो उपनिषद, जिसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है डेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ। तो नचिकेता की स्टोरी से लाइफ ये चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। इस स्टोरी को हम एथिकल एंगल से समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या सीख देखने को मिलती है। नचिकेता एक बालक है जिनके पिता का नाम वज्रश्रवा है, जो विश्वजीत यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं, जिस यज्ञ के अंदर उन्होंने ये वचन दिया था कि वो अपनी सबसे प्रिय चीज़ों को सेक्रीफाइस करेंगे। और इसी वचन के तहत यज्ञ के दौरान, क्योंकि उस समय में जो मेन चीज़ होती थी वो एग्रीकल्चर होती थी, तो एग्रीकल्चर के लिए और राज्य को समृद्ध बनाने के लिए प्रजा को गायों का दान किया जा रहा था। और यही बात जो है नचिकेता देख रहे थे। और जब पिता गायों का दान कर रहे थे तब नचिकेता देख रहे थे कि जो गायें दान दी जा रही हैं, जिन गायों का सेक्रीफाइस किया जा रहा है, वो बूढ़ी हो चुकी हैं और उनकी कंडीशंस ऐसी नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सके और इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके। तो अगर ऐसी गायों का दान होगा तो वो नचिकेता सोचने लगे कि प्रजा खुश नहीं होगी, और यदि प्रजा खुश नहीं हुई तो उनके पिता का जो प्रण है वो पूरा नहीं हो पाएगा और उन्हें आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। तो नचिकेता इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं और वो अपने पिता के पीछे घूम घूम कर ये सवाल पूछते हैं कि पिताजी, आप अपनी सभी प्रिय चीज़ों का दान कर देंगे? आपने ये कहा कि आप अपनी सभी प्रिय चीज़ों का दान कर देंगे, तो मैं तो आपकी सबसे प्रिय चीज़ हूँ, तो आप मेरा दान किसको करेंगे? आपने मुझसे कहा था कि मैं आपकी सबसे प्रिय चीज़ हूँ। तो इस बात से वज्रश्रवा जो है वो, मतलब नचिकेता छोटे बालक हैं तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने कार्यों में लगे हुए हैं, अपने यज्ञ में लगे हुए हैं, अपने दान देने में लगे हुए हैं। वहीं नचिकेता बार बार यही सवाल उनसे पूछ रहे हैं। तब गुस्से में आकर वज्रश्रवा ने कह दिया कि जा, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ। ये बोलकर वज्रश्रवा एकदम से शॉक में आ गए कि उन्होंने एकदम से क्या बोल दिया, और नचिकेता ने इसे पिता की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। क्योंकि नचिकेता तो यही चाहते थे कि उनके फादर को जो यज्ञ वो कर रहे हैं उसका पूरा पुण्य मिले। तो अब बात, सवाल ये आ गया कि अब क्या किया जाए। तो नचिकेता ने तो मृत्यु को स्वीकार कर लिया। अब यम के दूत आए उन्हें लेने के लिए और अब वो यम के द्वार जा रहे हैं। वज्रश्रवा बार बार कह रहे हैं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मैंने गुस्से में बोल दिया था, और तू वापस आ जा पुत्र। लेकिन नचिकेता अपने करेज से अपने पिता की बात को स्वीकार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपने जो यज्ञ किया है इसका आपको पूरा फल मिले, और आपने कहा था कि आप अपनी सबसे प्रिय चीज़ को दान करेंगे, और आपने इसी चीज़ को फॉलो करते हुए मेरा दान किया है और मुझे यम को दान दिया है, तो मैं आपका ये वचन नहीं तोड़ सकता, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ से नचिकेता यम लोग जा रहे हैं। अब नचिकेता और यम का जो संवाद होगा वो मेरे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में होगा। थैंक यू, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए।